हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है चैप्टर फोर पढ़ रहे थे, ठीक है। और चैप्टर फोर जो है हमारी पूरी कम्प्लीट हो चुकी थी। चैप्टर फोर जो हम लोग अच्छे से बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिए थे। एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस के बारे में आयोग पढ़ना था, उसमें हम लोग पढ़ लिए थे। अब जो हमें चैप्टर फाइव करना है, चैप्टर फाइव में हम लोग मल्टीप्लीकेशंस के बारे में करेंगे। चैप्टर फाइव में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशंस के बारे में करना है, ओके। और मल्टीप्लीकेशंस के बारे में करना है तो देखो, मल्टीप्लीकेशंस हम लोग जो है किस तरीके से करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशंस में देखो, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि जैसे किसी भी नंबर को एज फोर, थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करना, तो थ्री के फाइव का टेबल थ्री बार पढ़ेंगे, 15 आ गया। जैसे 12 को 5 बार करना है तो 12 5 से 60 आ गया, 5 टू जो 10 फिर कैरी, इस तरह से। तो हमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज में है ना, थोड़ा हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। अब हम बताए थे, आपको याद होगा, थर्ड क्लास में आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, ठीक है। थर्ड क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे किसी भी नंबर को हम बताए थे कि 3 को 100 से मल्टीप्लाई, पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है, पहले जो नंबर होता है ना इससे मल्टीप्लाई करो। 3 को 1 से करोगे तो 3, फिर 10 है तो 10 लगा देंगे, ओके। जैसे अब 3 को 100 से करना था तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 20 है तो 20 लगा देंगे। इमेजिन करो 3 को 20 से करना था तो कैसे आएगा, एक तो आप लोग इस तरीके से करोगे तो ये देखो 3 2 6, हमें ऐसे करना नहीं है। हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं, 3 को 2 से करेंगे तो 3 2 6, और 10 है तो 10 लगा दिए। 3 को इमेजिन करो 200 से करना है तो पहले 3 को 2 से करो, 3 2 6, फिर 600। इसी तरह से मान लो जैसे 50 को 4 से करना है तो पहले क्या करोगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 20, और 10 है तो 10 लगा देंगे। और असल में हम लोग इस तरह से मल्टीप्लीकेशन, जब 0 लास्ट में नंबर लगा हो ना, तो 0 जब नंबर लास्ट में लगा हो तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। जब भी कोई भी नंबर लास्ट में 0 लगा हो तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, ओके। तो देखो, हम लोग इसी के बेस पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके लिए, ठीक है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है आपको हम कराते हैं कि क्या करना था, ठीक है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था, एक्सरसाइज में देखो जो था हमारे एक्सरसाइज में देखो, फर्स्ट में मल्टीप्लाई हमें पढ़ना है, और ये जो मल्टीप्लाई है देखो हमें किस तरीके से हम लोग करेंगे। ए में हमारे पास दिया हुआ था 48 × 100, बी में हमारे पास दिया हुआ है 963 × 10। एक बार तो देखो आप लोग, जब तक खुद से फटाफट करके देखना, फिर हम यहाँ से जब करेंगे ना मैच कर लेना आंसर्स, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जो है आपके लिए लिख देते हैं, ठीक है। 527 × 1000, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह से डी में जो है, डी में जो था वो क्या होगा, 137 × 100, ओके, 137 × 100। और इसी तरह से आप लोग वो 100 वाला तो थोड़ा आप लोग कर लोगे, अब हम जो थोड़ा बताते हैं इसके बाद हम जी बताएंगे। उसके बाद जो है पहले तो ये हम करा देते डी तक। आई होप कि देखो आप लोग सब क्वेश्चंस लिख लिए होंगे, और इस तरह से आप लोग जो है, ठीक है, इस तरह से हम लोग जो करेंगे, इस तरह से जो है, ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे 137 × 100 जो है 130, पहले देखो 48 × 100 करेंगे। एक बार आप लोग देखो करके फटाफट देखो, जैसे हम समझाए थे जो, उसके बाद आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग करके बताओ, फिर हम आपको बता रहे हैं, ओके। आई होप कि देखो सबको आगे आ गया आंसर, एक बार आप हमें करके बताना आंसर आया नहीं।
ओके तो देखो आप लोग अब यहाँ से आंसर मैच करना है, ओके देखो सबको आ गया 48 को पहले वन से करेंगे तो 48 ही आएगा, फिर दो जीरो था तो दो जीरो आ गया, 963 लिख के 10 है तो 10 आ गया, 527 क्योंकि वन से करेंगे तो यही आएगा, फिर 30 है तो 30 लिख देंगे, 137 को वन से करेंगे तो वही आएगा, 20 है तो 20 आ जाएगा। तो आई होप कि देखो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना था। सिमिलरली इसी तरह से आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर एफ तक हो जाएगा। अब जो है हम लोग जी बता रहे हैं आपको, हम जी करके बता देते हैं जी में क्या करना था, किस तरीके से करना था। जी में देखो अभी हम समझा देते हैं 515 into 30। तो पहले हम आपको बताए थे कि पहले 515 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 515 को 3 से कर लो, तो 515 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इस तरह से 5 3 15 कैरी 1 3 1 3 4 5 3 15 1545 और 10 लगा देना। आपको इमेजिन को डायरेक्ट नहीं करना आता है तो आप लोग इस तरह से लिख लेना, इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखना, पहले ये जीरो है तो पहले जीरो लगा लो अपने तरफ से, फिर ये मल्टीप्लाई कर लो 5 3 15 1 3 1 3 4 5 3 15। ओके तो आई होप देखो आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से करना था। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट अगर जो रहता है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है वहाँ पे करेंगे। एक और आपके लिए देखो बता देते हैं हम एच, एच बता देते हैं, एच में है 247 into 90। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे इसे, तो आप लोग 9 7 63 कैरी बच गया 6 9 4 30। आपको देखो अभी उस लेवल से नहीं करना आएगा, आप लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, पहले जीरो है तो आप लोग जीरो लिख लेना, फिर कर लो 9 7 63 कैरी बच गया 6 9 4 36 या जीरो आप लोग बाद में लगाना, पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लेना फिर लास्ट में जीरो लिख दोगे, 9 4 36 9 7 63 9 4 36 36 और 6 क्या जाएगा 42 कैरी बच गया 4 9 2 18 18 और 4 22। ओके स्टूडेंट्स तो हमारा ये आंसर चल जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा और किस तरीके से करना था। आप लोग जो है हम दो और होमवर्क में यहाँ पे अभी होमवर्क सॉरी अभी हम क्लास वर्क में ये सारे CW लिख के आपको करना है, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना आप लोगों से होमवर्क्स में करोगे, उसे आप लोग होमवर्क में करोगे, ठीक है इस तरह से जो है। और देखो जैसे क्वेश्चन था एच आई में जो है आप लोग हमें करके बताओ 83 80 आई, देखो आप लोग ना आई और जे अभी करके बताओ, हम थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेते जब तक आप लोग करके बताओ, फिर हम यहाँ से आंसर आपको जो है बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा था आपको। ओके जल्दी से आई और जे आप लोग करके बताना एक बार कि आपके आंसर्स क्या आ रही है। देखो आई में जो था स्टूडेंट्स, आई में जो था वो हमें करना था 83 into 600। आई में जो था उसे हमें करना था आई में 83 into 600। पहले हम लोग क्या बताए थे 83 को आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करना, 83 को आप लोग 6 से 6 3 18 कैरी बच गया 1 8 6 48 49 और यहाँ पे 20 था तो 20 यहाँ भी लगा देंगे इस तरह से आप लोग, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट ऐसे तो रफ में करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे 4 9 8 00, इस तरह से नीचे मल्टीप्लाई करके दिखाना भी है और यहाँ पे लिखोगे। तो आई होप कि देखो इस तरह से आपका सारा जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो सारा आपका हो जाएगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं है, आप लोग आसान से कर लोगे, ठीक है। हम बताए थे अभी करने के लिए आई और जे, जे का भी आंसर आप लोग मैच कर लेना, जे का भी आंसर आप लोग मैच कर लेना। जे का आंसर आया देखो 21 into 500, तो आप देखो मान लो ये बड़ा आया तो आप लोग LCM में इस तरह से लिखोगे, ठीक है हम जो ये लिखे हैं ना आप लोग इस तरह से लिखोगे 60 से 83, पहले 6 के ऐसे कर लिए बात वही पड़ेगा, ठीक है 20 है देखो, तो आप लोग इस तरह से डायरेक्ट आंसर से लिखोगे ऐसे, पहले 21 को 5 से कर लेना तो 105, फिर 20 था तो 20 लगा देना, ठीक है इतना आसान था, बिल्कुल इतना ही आसान है जितना आप लोग को हम बता रहे, ठीक है आप लोग भी आसान से कर सकते हो, आप लोग भी इस चीज़ों को आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमें और बता रहे थे इस तरह से, तो आई होप कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा कि क्या कराते हैं।
ठीक है, तो बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप लोग को होमवर्क्स में करना है। और देखो हम बता रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स को जो टेबल नहीं आता है, तो आप लोग टेबल प्लीज रिमेंबर कर लेना, बिकॉज जब तक टेबल आपको लर्न नहीं होगा आप लोग जो है मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। तो आपका होमवर्क्स में जो आज है, जैसे हम थर्ड क्लास में भी दिए, आपको भी जो होमवर्क में 2 से लेकर के एटलीस्ट 9 तक तो टेबल लर्न करना ही करना है। ठीक है, और ठीक है इस तरह से आप लोग कर लेना और लिखना भी है कॉपी में। ठीक है, ताकि अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू में देखो क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स है। क्या है? फिल इन दी ब्लैंक्स है। फिल इन दी ब्लैंक्स देखो किस तरीके से है देखो आपको एक बार हम करके बता रहे हैं। ठीक है, किस तरह से फिल इन दी ब्लैंक्स है। फर्स्ट में था ए में 1313947 मल्टीप्लाई बाई, किससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर जो है 13947 आ गया। ठीक है, हम देखो अभी हम सबको आपको करके बता रहे हैं। ये बोला फिर 499947 इनटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 0 आ जाए। 49 सी जो क्वेश्चन में है, सी क्वेश्चन में जो है 49 इंटू 9739 इक्वल टू 9739 इंटू डैश। देखो हम पहले ए बी सी आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद हम डी, चलो डी भी आपके लिए लिख देते हैं, कोई बात नहीं। 13907 इंटू 0 इक्वल टू 0 क्या होगा। देखो पहले तो हम बता रहे थे कि किसी भी नंबर में आपको जो जो मल्टीप्लाई करके सेम नंबर, जैसे ये बोला कि 13947 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वही आएगा। तो आपको पता था कि किसी भी नंबर में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स क्या आता है, वही आता है, नंबर इज सेम, नंबर जो हमारा क्या होता है सेम होता है, वही नंबर आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 13947 इंटू 1, तो नंबर वही आएगा। आप किसी भी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे 49947 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 आएगा। तो आप बोलोगे सर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब ये बोला कि किसी भी नंबर को जैसे हम 2 × 3 लिखे तो किसके बराबर होगा, 3 × 2 का, यानी कि 2 × 3 = 6 होता है, 3 × 2 = 6 होता है। इसी तरह से 49 × 9739 है, यहाँ पे 9739 इंटू क्या होगा, 49 होगा। आर एस एन में स्टूडेंट्स, आर एस एन में किस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, 13907 इंटू 0, इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आगा, 0। ये तो बी और डी जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम था, बी और डी जो था इसका बिल्कुल सेम था। ठीक है, इस तरह से हमें करना था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर इसी का डी तक तो हो गया। ई क्वेश्चन देखो जो क्या था, ई क्वेश्चन जो क्या है, देखो आप लोग जो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, देखो आज ये जूम पे क्लास है, नहीं है ये यूट्यूब पे क्लास हो रही है, तो इसके लिए आपका ये बेनिफिट है कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितने बार भी आप लोग करोगे ना आराम से चीज़ों को समझ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, इस पर आपके डाटा इशू हो रही है तो आप लोग आराम से भी देख सकते हो थोड़ा। ठीक है, इसकी क्वालिटी चेक करके, क्वालिटी कहमें तो उसे बढ़ा के आप लोग देख सकते हो। इस तरह से आप लोग मतलब कभी भी 2 बार 3 बार 4 बार कभी भी आप लोग देख सकते हैं, चार के चीज़ों को अच्छे से समझ में आए आपको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखो हम लोग बता रहे थे आपको, आपको हम बता रहे थे क्वेश्चन नंबर डी तक हो गया था। ई क्वेश्चन जो है देखो बिल्कुल सेम है सी के जैसा। ई क्वेश्चन में आप लोग हमें करके बताओगे क्या आएगा, 44447 को मल्टीप्लाई करेंगे 317 से, इक्वल टू यहाँ पे डैश दे दिया फिर इंटू 4447। तो आप देखो हम बताते ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें या इसको इससे करें, दोनों सेम आएगा, यहाँ पे 317 ही आएगा, 317 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखो एफ में और आसान है, एफ जो है बिल्कुल और ईजी है। ये बोला 3567 इंटू 1, इसे करेंगे तो आंसर्स क्या होगा, इसका आंसर्स क्या होगा। तो किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर जो होता है क्या होता है, सेम होता है, नंबर विल बी सेम, नंबर जो होता है हमारा क्या होता है वही सेम नंबर होता है, तो यही आ जाएगा आंसर। जी में देखो क्या था, जी में जो है, जी में है 17 + 45 17 + 45 × 68। ठीक है, ये बराबर किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, तो इंटू 17 इंटू डैश प्लस डैश प्लस इंटू 68। देखो अब हम बता दिए कि ये दोनों प्लस में फिर, यानी कि एक बार हम 17 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 45 से, तो 17 इंटू 68 होगा, एक बार 45 इंटू 68 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को हम प्लस करके इससे मल्टीप्लाई करें या अलग अलग मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी सेम, आंसर जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर एच, एच भी सेम है, एच जो है एच, एच में था 293 293 माइनस 80 इंटू 57
इक्वल टू क्या होगा, तो डैश बॉक्स था इंटू 57 माइनस 80 इंटू ये डैश। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, सेम था, एक बार 293 को 57 से करना है, एक बार इसको इससे करना है बस। यानी कि एक बार पहले माइनस कर लो ये दोनों को, फिर से मल्टीप्लाई करो या अलग अलग मल्टीप्लाई करके माइनस करो, आंसर जो है सेम ही आएगा। देखो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स था ये आपको हम पूरा करवा दिए ताकि आप लोग चीज़ों को आसानी से समझ सको और कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी क्वेश्चन वन में भी हम लोग देखो 8-7 क्वेश्चन कर लिए, बाकी जो भी क्वेश्चन है जो सी डब्ल्यू में कराया उसे आप लोग सी डब्ल्यू में करके भेजोगे अलग अलग, सी डब्ल्यू जो एच डब्ल्यू में आपको करना उसे आप लोग होमवर्क में करके सेंड करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग जो है आज चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे और आपकी आज कोई क्वारी नहीं रहेगा कि सर आवाज़ नहीं आ रही, हमारी फिगर सही से नहीं दिख रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा, आपके सारा डाउट जो था आज क्लियर हो गया होगा। ओके, और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे होंगे और घर पे बिल्कुल सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।